इस वीडियो में हम MCU में दिखाए गए वाइब्रेनियम के बारे में ऐसी चीजें जानेंगे जिसका लॉजिकल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिलना मुश्किल है, क्योंकि MCU में हमने वाइब्रेनियम को एक मिरेकल मेटल के तौर पर देखा है। तो इसे MCU में रिप्रेजेंट करते वक्त मार्वल वाले यहाँ थोड़े लॉजिक और साइंस को इंक्लूड करना भूल गए, जिससे कि इन चीजों का लॉजिकली सेंस बनना मुश्किल है। तो नमस्कार गाइस, मैं हूँ कॉमिकर और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाइब्रेनियम अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, जिसे मेल्ट करना वैसे तो पॉसिबल है, क्योंकि मार्वल यूनिवर्स के ऑफिशियल हैंडबुक के अकॉर्डिंग वाइब्रेनियम का मेल्टिंग पॉइंट 5475 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है। इतना कि अल्ट्रॉन की वाइब्रेनियम बॉडी को मेल्ट करने के लिए MCU में आयरन मैन के रिपल्सर्स, विजन के हीट बीम और थॉर के मियोलनिर की कम्बाइंड पावर की जरूरत पड़ी थी, और इतनी फायर पावर जनरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब अगर हम सिर्फ लाइटनिंग की बात करें तो उसका टेम्परेचर 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और अगर इसका हम लोग हाफ भी ले लें तो जो टेम्परेचर बताया गया है उससे ये बहुत ही ज्यादा है, जिससे कि यहाँ वाइब्रेनियम को मेल्ट करना पॉसिबल तो है, ठीक है, इतना समझ आता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि वकंडियंस वाइब्रेनियम को मेल्ट कैसे करते होंगे। चलो ये भी मान लेते हैं कि वकंडा बहुत ही एडवांस देश है, इसलिए वो अभी उनके टेक के साथ वाइब्रेनियम को मोल्ड और मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके पूर्वजों का क्या? उस टाइम ना ही कोई सोनिक वेव्स वाली डिवाइसेस थे और ना ही वो इतने एडवांस थे, फिर कैसे उन्होंने उस टाइम इतनी फायर पावर जनरेट की होगी जिससे कि वो वाइब्रेनियम को एक्सट्रैक्ट करके उनसे वेपन बना सके। वाइब्रेनियम की जो स्ट्रेंथ, रिजिडिटी और बाउंसीनेस है, उसे देखने के बाद ये थोड़ा सा और लगता है कि कैप्टन जब अपनी शील्ड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अपने विलन्स पर फेंकता है तब उन विलन्स को कुछ नहीं होता, बस उन्हें एक हल्की सी चोट लगती है, जबकि फर्स्ट एवेंजर में ये शील्ड थॉर के मियोलनिर की फुल स्ट्रेंथ को झेल चुकी है। प्लस जब कैप्टन क्विंजेट से बाहर निकालने के लिए उस पे शील्ड फेंकते हैं तब क्विंजेट का प्रोपेलर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वाइब्रेनियम की ये जो शील्ड है वो सिर्फ प्रॉपर्टी को सीवियर डैमेज करती है और इंसानों को कुछ नहीं? कैप्टन की शील्ड की बुलेट्स के साथ का रिएक्शन मूवी टू मूवी चेंज हुआ है। अब अगर एक मटेरियल पर काफी ज्यादा स्ट्रेस लाया जाए तो वो आइदर उसे बाउंस करेगा या परमानेंटली डिफॉर्म होगा, और कैप्टन की जो शील्ड है वो वाइब्रेनियम से होने के कारण वो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, जिसके वजह से वो इलास्टिक की तरह बाउंसी बन जाती है, और इसी वजह से जब कैप्टन अपनी शील्ड किसी चीज पर फेंकता है तो वो शील्ड बाउंस बैक करके उसके पास वापस आती है। सो अब इशू यहाँ ये है कि जब 1942 में पेगी कार्टर ने इस शील्ड पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पॉइंट ब्लैंक से गोली चलाई थी तब ये शील्ड उस बुलेट को रिफ्लेक्ट नहीं बल्कि उसे वो ऑन द स्पॉट इंपैक्ट पर रोकती है और उसे वही जमीन पर गिराती है। एंड जब इसी सेम शील्ड पर कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में जब कैप्टन पर बुलेट चलाई जाती है तो वो उसे वहाँ डिफ्लेक्ट करके उन्हें जहाँ चाहे वहाँ डायरेक्ट करता है। सो क्या ये उस पेंट का कमाल है या फिर ये एक मिस्टेक है जिसे बाद में सुधारा गया? आपको क्या लगता है? अब बहुत से फैंस को ये लगता है कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में जब कैप्टन ट्राइस्केलियन के एलिवेटर से अपनी शील्ड के साथ जंप करता है तो वहाँ कैप्टन उस ग्लास को तोड़ने के लिए शील्ड को यूज करता है, लेकिन वो वहाँ शील्ड को ग्लास तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे वो एज अ कुशन की तरह यूज करते हैं ताकि उसे गिरते वक्त कोई भी दिक्कत ना हो, जो देखने में तो अमेजिंग है। लेकिन वाइब्रेनियम के जो मिरेकुलस प्रॉपर्टीज है और उसके काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है, उसकी मदद से ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका जिस हाइट से गिरता है उसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि शील्ड कैप्टन की बॉडी को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकती। प्लस शील्ड के एजेस की वजह से कैप्टन की एक दो हड्डी तो टूट ही जानी चाहिए थी, और वैसे भी कुशन किसी भी चीज के इम्पैक्ट को स्लो करता है, और कैप्टन की जो शील्ड होती है वो इतनी थिन है कि वो ऑब्वियसली कुशन की तरह वर्क ही नहीं कर सकती। अब जो वाइब्रेनियम एस्टेरॉइड अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पर मिलियंस ऑफ इयर्स पहले गिरा था, वो MCU में वाइब्रेनियम का एक लौता डिपॉजिट है, जिसकी मदद से वकंडंस ने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक अपनी सोसाइटी को डेवलप किया। फिर चाहे वो उनका टेक, मेडिकल या उनकी क्लोथिंग का सेक्शन क्यों ना हो, वाइब्रेनियम ने वकंडंस की हर तरह से मदद की है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि वो वाइब्रेनियम मीटियर आखिर था कितना बड़ा, क्योंकि उस वाइब्रेनियम को वकंडंस ने हजारों सालों तक अपनी हर एक चीज में यूज किया, और उनके पास अभी भी इतना ज्यादा वाइब्रेनियम बचा है कि वो उससे अपने फ्यूचर को भी डेवलप कर सकते हैं। एंड हमने ब्लैक पैंथर की मूवी में भी वाइब्रेनियम का पूरा पहाड़ देखा है, जो ये कंक्लूड कराता है कि वाइब्रेनियम का जो मीटियर अर्थ पे गिरा था वो बहुत ही जायंट था, इतना कि इसका इम्पैक्ट उस मीटियर के इतना होता जिसकी वजह से डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या मेरा पॉइंट सही है? अब अगर आपको नहीं पता कि वाइब्रेनियम मीटियर कहां से आया है तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।
वाइब्रेनियम की एक और खास बात है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, और वो ये है कि वाइब्रेनियम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पोजेस करता है, जिसकी वजह से एज ऑफ अल्ट्रॉन के स्टार्टिंग सीन में जब एवेंजर स्ट्रकर के बेस पर हमला करते हैं तब कैप्टन अपनी शील्ड को बड़े ही आसानी से उठा पाता है। अब वकंडन्स हजारों सालों से वाइब्रेनियम यूज करते आ रहे हैं, वो उसे माइन करते हैं, उस पे काम करते हैं एंड यहाँ तक कि वो उसे अपनी बॉडीज में भी टैटू की तरह इम्प्लांट करते हैं। सो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इंसान इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कांस्टेंट टच में रहता है तो ये ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक फील्ड्स उसके नर्वस सिस्टम और हार्ट बीट पर अपना साइड इफेक्ट दिखाएगा। एमसीयू में हमने वकंडन्स में ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला जो लॉजिकली कोई भी सेंस नहीं बनाता। वाइब्रेनियम से बना एक मीटियोर अफ्रीकी उपमहाद्वीप से आ टकराया, जिससे आसपास के पेड़ पौधों पर गहरा असर हुआ। नॉर्मली हमारे ह्यूमंस के आसपास अगर किसी तरह का रेडिएशन एग्जिस्ट करता है तो वो हम ह्यूमंस के हेल्थ पर डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, और वाइब्रेनियम मीटियर से जो रेडिएशन निकला वो इतना ज्यादा था कि उससे वहाँ की सॉइल और प्लांट लाइफ एनरिच हो गई, लेकिन उन प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले वकंडियंस पर उसका कोई भी इफेक्ट हमें दिखाया नहीं गया। और ऐसा नहीं है कि मीटियर गिरने के बाद वहाँ के सभी प्लांट्स रेडिएशन के शिकार होते हैं, नहीं, वहाँ सिर्फ जो हार्ट शेप हब का प्लांट होता है मीटियर गिरने के बाद बस वही रेडिएट होता है और पावर्स एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ ये कहा जा सकता है कि ये सारा सेटअप बस हार्ट शेप हब और वाइब्रेनियम की बैक स्टोरी के लिए था, लेकिन मार्वल ने इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। अब डिस्पाइट कि हमें ब्लैक पैंथर की बस एक ही मूवी देखने को मिली है, लेकिन मार्वल एटलीस्ट हमें किसी सोर्स के थ्रू या उनके ऑफिशियल हैंडबुक के थ्रू समझा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें लगा कि पब्लिक कहाँ नोटिस करेगी, पर हमने किया। अब इन पॉइंट्स के अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट लगता है जो लॉजिकल नहीं है तो वो आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।